अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवाज़ शो जो प्रोग्राम द आवाज़ शो में भली कार माया तवाची मेज़बान नूर अली ऐं जीअं त मां तव्हांजो मुलाक़ात कराईंदी आहियां तव्हांजे फेवरेट सेलिब्रिटी सां ऐं हिन खां अलावा मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ु रखंदड़ पर्सनैलिटीज़ सां, जीअं त अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु जो ॾींहुं जेको आहे उहो छोकिरियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे या गर्ल्स जेको छोकिरियुनि जे लाइ छोकिरियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जीअं त कल्ह सभिनी खे ख़बर हुई त कल्ह मूं कुझु अनाउंस कयो हुयो, अनाउंस जेको मूं कयो उहो त मां थोरी देरि तव्हांखे बाद में ॿुधाईंदमि, पर जीअं त रोज़ाना मूंसां गॾु हूंदियूं आहिनि सर्वत जेका असांखे किचन में सुठा सुठा खाधा पचाइण सेखारींदियूं आहिनि, त मां पहिरां उन्हनि खे दावत ॾींदमि। अस्सलामुअलैकुम सर्वत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नूर? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज हमें पता है कि जी आज खवातीन का आलमी दिन है, तो खवातीन का सजना संवरना तो बनता है बिल्कुल, और असान जो हक भी आए ठीक है, हमारा हक भी, और इसके अलावा आज हमारा सेट भी पूरा भरा भरा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप भी देख रही है, वैसे कल से ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारा सेट, और बहुत खुशी हो रही है देख के अॼु जेका असांजो सेट जेको आहे उहो तमामु ख़ूबसूरत सजियल आहे। ऐं छो सजियल आहे इहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, पर जीअं त छोकिरियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे उनजे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। ठीक, तो सरवत पहले तो हम लोग इस हवाले से भी बात करें, आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जैसे लड़कियां किचन में ज्यादा काम करती हैं, तो पहले तो आप किचन में चलें, फिर किचन में ही हम लड़कियों की बात करेंगे। तो आलमी दिन कहा तो मैं समझी कि आज तो मेरी छुट्टी होगी, आज आप मुझे मतलब खुशी में छुट्टी भी देंगे आपको, लेकिन आज जो है क्योंकि आपको पता है कि आज जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशल गेस्ट है, तो जाहिर सी बात है जब स्पेशल गेस्ट आते हैं तो किचन में भी स्पेशल बनता है। बिल्कुल, मेहमानों की जो खातिर तवाजा होती है वो तो स्टार्टिंग किचन से होती है ना, स्टार्ट ही किचन से होती है, क्योंकि पेट की खिजा ना हो तो बात नहीं बनती ना यार। जी बिल्कुल, खुश करने का जो तरीका है वो यही है कि आप अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने खिलाएं, और स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके घर पे आए हैं और उनकी पसंद का या उनकी वैसा कोई उनके हिसाब से टेस्ट ना मिले ना, तो वो थोड़े से नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, जी इन्होंने तो हमें कुछ खिलाया नहीं, सिर्फ चाय पिला के भगा दिया। वैसे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ये ना करना छो तो मेहमान नवाजी असानी सिंधु जो शान शान आए। बिल्कुल, जी तो असानी प्रोग्राम में हुआ भी किचन जो जो कुकिंग थी किचन में, पर जिन्हें स्पेशल मेहमान ईंदा आहिनि त किचन में बि ज़रूरु स्पेशल ठहंदो आहे। सो सरवत आज आप किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं किचन में जनाब चिकन हरा मसाला। चिकन हरा मसाला, बहुत जबरदस्त, वैसे मुझे ये सुन के बहुत ही खुशी हुई कि चिकन हरा मसाला। अच्छा, हरा मसाला क्यों? हरा मसाला ये है क्योंकि इसके जो देखने का जो इसका मतलब जिसका लुक है ना वो हरा ही होगा, और जो हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो हरे यूज करेंगे, जैसे हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्ची हो गई, तो ये पीस के हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो जो इसका मसाला होगा वो हरा ही होगा, तो वो हरे मसाले में हरी भरी सी हमारी हरी भरी सी चिकन होगी, बहुत ही लजीज सी, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। करिए ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ही कोई चटपटी बनने वाली है, चटपटी चटखारे वाली बिल्कुल मजेदार सी है, और जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है, मैंने इसको बिल्कुल भी, इसकी बहुत सारी रेसिपीज है लेकिन बहुत ही जो सिंपल और आसान रेसिपी थी और जो बहुत लो बजट में थी, आसान तरीके से जो चीजें हमारे घर में मतलब हमें मिल जाती हैं, इजीली हमारे फ्रिज खुलते हैं और जनाब हर चीज वो मुयस्सर होती है, तो वो आप जिसको जरूर ट्राई कीजिए, जरूर जरूर ट्राई कर दो। तो सरवत जका सही है संगे रेसिपी बुधाई नी, तो जल्दी जल्दी सा पेन ए पेपर खणो, उन का बाद में जल्दी सा नोट डाउन करे वठो, सो जका रेसिपी आ मैं सरवत बुधा के डाडी सिंपल है, जकने याद कर सको तो तडे भी सुठी गाल है, जकने नोट डाउन करो तडे भी सुठी गाल है। सो सरवत रेसिपी बताए ताकि नोट डाउन कर ले जल्दी से हमारी लड़कियां। अच्छा जी, चिकन हम इसमें यूज कर रहे हैं, चिकन के हमें बड़े पीस इसमें दरकार होंगे, तकरीबन 1 किलो हम इसमें चिकन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 किलो चिकन में तकरीबन हम 1 कप हमें दही चाहिए होगा, और आधा कप हमें चाहिए होगी जनाब इसमें क्रीम, क्रीम भी, हाँ कोई भी क्रीम आप किसी भी अच्छे से ब्रांड की आधा कप क्रीम ले लीजिए। इसके अलावा हमें जो सब्जियां होंगी इसमें हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 अदरक, लहसुन अदरक का हमें पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून, और नमक हमें इसमें चाहिए होगा, हमें इसमें चाहिए होगा गर्म मसाला, जीरा हम भुना हुआ और भून के इसको थोड़ा सा कूट के फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, रेसिपी इसकी ये है कि हम आधा कप तेल गरम करेंगे, उसमें हम करेंगे चिकन को फ्राई, चिकन हमारी जब फ्राई हो जाएगी तो हम उसको निकाल लेंगे जी अपने तेल में से, हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चे को जो है पीस के इसका पेस्ट बना के अलग से रख लेंगे। ठीक है, फिर दही और क्रीम को हमने एक साथ फेंटना है,
उसमें वो जितना भी हमारा हरा मसाला था वो हमने उसमें ऐड करना है, पूरी चिकन हमने उसमें ऐड करके रख देनी है थोड़ी देर के लिए, और फिर हमें उसमें देना है कोयले का धुआं। अच्छा, जैसे बारबेक्यू, जैसे हमने मतलब बकरीद में भी बताया था कि हमने जो चिकन को रख के फिर बीच में उसके कोयले का धुआं दिया था और उसको हमने प्लेटर से तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद कर दिया था, उससे ये होगा कि उसमें स्मोक आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी कोयले की, बारबेक्यू की लगेगा, जैसे ये बारबेक्यू चिकन है। उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारा जो तेल बच गया था, हमने चिकन का निकाल लिया था, वो सारी चिकन उठा के हमने वापस डाल देनी है। चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपकी पूरी चिकन तैयार हो जाएगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल हमने इसमें अलग से एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, जब हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा हम इसके अंदर अपना जो हमारा जीरा है जो हमने भूना था और कूट लिया था उसको वो डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और जब हम इसको निकाल के इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे, हरी मिर्चें गार्निश करेंगे और इसको सर्व करेंगे, और तंदूरी रोटियों के साथ इसको सर्व करेंगे, और नूर को जरूर सर्व करेंगे क्योंकि नूर को तंदूरी रोटियां बहुत पसंद है। बिल्कुल, तंदूरी रोटी बिल्कुल पसंद है मुझे, और बहुत जबरदस्त रेसिपी बताई सैयद, यकीनन तव्हां जरूर ट्राई करो। मेरा ख्याल है जीत असां सां गॾु गेस्ट मौजूद आहिनि अगो सरप्राइज आ सरप्राइज जारी गल थोड़ो घड़ो सस्पेंस क्रिएट कर मुझो भी हक आ छो तो जारी गल सस्पेंस जैसे मानू क्रिएट कह तो तमाम सुठो लगन आ पर उन सा गडो गड अज अस जी मेहमान मौजूद हैं अज अस उन गाल कहे तो जो मू पाकिस्तान में कि बहर वे तो वो उतने कि सर्वाइव कर सके तो उतने उनके कड़ी मुश्किल जो सामू करो पे तो या इन अलावा उतने कड़ी कड़ी फैसिलिटीज उनके मिलन थी तो असा सा गड मौजूद हैं विष्णु अकराणी जी के नायब सदर हैं कैनेडा जा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी दे असन जा गेस्ट जी के नुए अच्छी वे आई हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। जी दे आज जका सो मां छो के सरप्राइज आ सरप्राइज ता के यकीनन जरूर मिलंदो पर सरप्राइज थोड़ो सस्पेंस क्रिएट करण मुझो हक का इन खा अलावा जी तो विष्णु अकराणी साहब कैनेडा का आया असा मेहमान आया कैनेडा का तो उनसे कि वह कदें का वी उत सैटल आन सिंधी अवाम के केतरो भाईंदा उते उन केतरू मोहब्बतू कह इन अलावा कड़ी फैसिलिटीज उन मिलन थी कड़ी मुश्किल उन्होंने अज उ डिस्कस कहे विष्णु अकराणी साहब से जी जी तो माशाल्लाह तुम कैनेडा में सैटल आयो सिंधी अवाम की खिदमत कर रहा तो ताकि केतरो अरसो थियो आते मखे मा 2003 में कनाडा मूव थियो जी मा ते बेसिकली इंजीनियर हुंदो सुई सदरन गैस कंपनी में फॉर डिप्टी चीफ सीनियर थियो सही पो शौक थियो त मा कनाडा इमिग्रेशन थी त पो मा 2003 में मूव थियो कनाडा में सही पो जने उता वयो हाने वरी जी घुमण फिरण ईंदा त हिते की लगंदो आ ताके इते सुठो लगंदो आए कदें कदें फीलिंग थींदियूं आहिनि रोड ऐं रस्ता उते हिकिड़ी हर शइ स्मूथ हलंदी आहे हिते इन शइ जो प्रॉब्लम हूंदो आहे ॿियो मेन हिते असांखे एड्युकेशन जो वॾो थींदो आहे छो जो असांखे उते एड्युकेशन ऐं हेल्थ जी फैसिलिटी आहे कैनेडा में हिते जॾहिं असां अचूं था त हिते एड्युकेशन न हुअण जे बराबरि आहे असांजो मक़सदु इहो आहे त असां सिंध गोरन खे असां बि रिक्वेस्ट कंदा रहंदा आहियूं ऐं साना जो वाइस प्रेसिडेंट आहियां कैनेडा जो घट में घट असो तलीम जो मैार है उनके घट में घट ये बेहतर बनाने बेहतर बनाने सही तो मतलब उतान की एजुकेशन में एजुकेशन में केतरो फर्क नजर इंदो ई समझो तो जी डी रात जो फर्क है ही फर्क है हां मतलब ये इलाही वडी गाल है कि असो डीर कनाडा में रात आए ते डी आन ई ही है होते को बारन ते बर्डन ना है स्कूल में विंदान हते आ दिसन मुजा बाइटा जने इंदो है घुमण जी तो उनन जे किचन में वडा थैला होंदा जी जी शाम जो अन स्कूल में इंदा एक वनन मंजन जो तो वरी उनन के ट्यूशन ते इंदो है जी जी असा वडी को कांसेप्ट ना है असा जेको उनन के कम करण होंदो है उते स्कूल में कराए बारन के रिलीफ कर छदिना सही मतलब रिलीफ थी वेना सही तो उनन के बर्डन ना होंदो तो ता घर वनी होमवर्क कयो या वनी ट्यूशन वठो कुछ ना उनन जो एड़ो सिस्टम ठेल है एड़ो उनन जो आए प्रैक्टिकली जो बार के उते ही ट्रेन कर छदिना स्कूल में तमाम जबरदस्त सही अमेजिंग हाल है वाकई में अगर असा पेंजे स्कूलन के दिसो असा पेंजे एजुकेशन के दिसो या इन खाल अलावा असा पेंजे गर्ल्स से इशू के ही वठो जी आज छोकरन जो आलमी डी अगर उन जे हवाले सा गालाइंदा हलो तो काफी एड़ी छोकरियो आहिन जेके स्कूल कॉलेज न थी वनी सकन स्कूल न थी वनी सकन या इन खाल अलावा असा जा 2.5 करोड़ बार आहिन जेके स्कूल न था वनी सकन उनमें छोकरियो भी शामिल आहिन तो ये असा जी बदनसीबी आहे के असा जो असा हालांकि असा जी एजुकेशन जो निजाम एतो खराब थी चुको आहे पर जिम्मेदार केरा असा ही
असाई गवर्नमेंट असा आयो असाई असाजी गवर्नमेंट ओके एक्चुअली असाउट एजुकेशन इंटर टाइम फ्री आए सही त माना इंटर टाइम हर बार के एजुकेशन वठनी वठनी के बालक में चाहे छोकरी जे चाहे उते त यो कांसेप्ट ही ना है छोकरो छोकरी जी दयाल आर क्यूल त उ पाण में बराबर है औरत त मर्द माना हर शे में त इन जे करे एजुकेशन इंटर टाइम त माना लाज़मी आए सही वो बिल्कुल फ्री है को उने ते फीस ना है कुछ ना है जते मा दसंदो या साई के स्कूल जी 25000 रुपया फीस है आजकल तो कंपटीशन में दिया कंपटीशन में जे हाई क्लास स्कूल है उनन जी फीस ता लाख लाख रुपया बदो हम ते 1.5 लाख रुपया उना खा अलावा ट्यूशन फीस अलग ता अगर बुक्स वगैरह अवेल करो ता उन जी ता के अलग ता पेमेंट दी करनी पे मतलब हर शी जी ता के हर शी जा ता के पैसा जी के नो ठीक ठाक गेना ता पर ठीक यो साई पाकिस्तान हाल अहवाल दियो पर जे ता आज असा जी आवाज टीवी ता ता असा जा मेहमान ता के हते अच्छी के लगवा हते बेहतरीन आए सठो माहौल है थैंक यू सो मच थैंक यू तवां जी वडी मेहरबानी ने तां जी वडी मेहरबानी तहां जो का ससन जा मेहमान थी आयो ए इन का अलावा जे ते तां गाल के ट्रैफिक जी अच्छा ट्रैफिक जी ते मा वडी सटायल है इन जे करी जो जदे भी सुबह सा स्टूडियो अचणो हुंदो ना असंगे त स्टूडियो अचण मले असंगे एडी त डिफिकल्टी थी निया छो त हे जको मतलब असन जी ऑफिस जो एरिया है वो इतरो त माशाल्लाह कोई हरेल भरेल मुसाब जी प्रॉब्लम थ्यो मा कलाक पेरी निकतो डिफेंस का जी जी दपा में तो 10:30 तक पहुंचंदो सला ना पहुंचंदो सही पर हते जरे पोतस ते डाडी ट्रैफिक जाम है ट्रैफिक जाम है बिल्कुल 10 मिनट पेरी पहुंची मुझे शुक्र वाला हां अग में पहुंची आ पहुंची है बिल्कुल बिल्कुल यही गाल थी कि ऐसा जने घर मा निकरना है सब सब प्रॉपर टाइम ते निकरो लेकिन ऐसा की या खबर ना हुंदी है असा पेंजी ऑफिस टाइम ते पुजनासी या ना यो सिर्फ डबल माइंडेड थी वंदा मानु इन के अलावा जे ऑफिस बेचारा मानु इंदा है वो पेंजे बॉस का धड़का भी खाई दे आज लेट क्यों है आज लेट क्यों है आज क्यों लेट हुआ तो कोई ते निजाम ना है अजी इते सिस्टम सिस्टम ना है असा वट उते तो तवा जे कने एकडी रो में वणो था तवा बे रो में टर्न ना कंदा कर सको एग्जैक्टली ते ता के मोटरसाइकिल भी इंदी रक्षा भी इंदो आई इवन एकडी मा ता के गाल बुदाया जी जी हते हारन मना सा ई बुदंदा आई जी मना हारन का सा मान हले न तो हले न तो सके बिल्कुल असा वट जे कने कनाडा में या अमेरिका में ता हारन दनु तो सामू वारो समझंदो तो इन मखे गार देई छडी अच्छा मना नो हारन सही भली छाप करे अगे बिठो जन ता के उन के हारन न दिनो हारन दिनो तो मना उ ता के एड़े नजरन सम बुरे नजर सा दिसंदो माना वो फीलिंग कंदो ना ना उन्हें इंसल्ट करे चली इंसल्ट करे चली ताऊ सही तमाम छुट्टी गाल के जी नहीं है टाइम जो है कुछ खास जी नज़र नहीं है टाइम जी आप ब्रेक जोड़ हम तो शॉर्ट कमर्शियल पे गए स्टे ट्यून आवाज़ टीवी वेलकम बैक नाज़रीन असा सा तावन करवा है नेस्ल एवरीडे हार्मनी ब्यूटी क्रीम जी त असा गालियों करे रहा से ए गालियों जके तमाम सुठियो हलन पयो है न खालावा असा जका डिस्कशन कयो पे ओ जके असन जा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं असा उनन ते डिस्कशन हले पई ए इंतजार जो घड़ियो जके हैं वे खत्म छण वारी हैं त हाने अगर ता यो सोचनो के इंतजार जो घड़ियों जके हैं शायद नूर जका वो सरप्राइज दीदी त यकीनन नूर जका वो सरप्राइज जरूर दीदी पर पहला मा सरवत के दावत ध्यान सरवत मुसा कर छे सरवत आज है क्योंकि सरप्राइज हम दोनों ने अनाउंस किया था कि भाई सरप्राइज है जी बिल्कुल सरप्राइज केडो वो तो जरूर ताहा के यार बुधाईना से जाती ए जो सरप्राइज है यकीनन व्यूअर्स ने के एंजॉय कंदा ए जो को सरप्राइज है शाम काउंटडाउन स्टार्ट किया काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए जी सिंध धरती जो तमाम वो नालो माशाल्लाह उन तमाम खूबसूरत आवाज उन अलावा उन शायरी लिखी है वह सभी के दिलन से राज कंदा इन अलावा जी तो उन कलम की दुनिया का शुरुआत कई हिंसर वह आवाज की दुनिया में तमाम घना मशहूर आन आवाज टीवी से पान मेहमान आया असा उन खास टाइम दिनों मां अनाउंस क्या अनाउंस किया या बस जी डायरेक्ट वे एंट्री कंदा त ता यकीनन ता सबनी व्यूअर्स के खबर पे जी हंदी के असा सा गड अज जको गेस्ट है वो केरा सो सरप्राइज आ ता सबनी जे लाइक जरे यकीनन जदे गानो बदनो त ता के खबर पे जबरदस्त जबरदस्त
जीअं त यकीन असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी वई हूंदी की असांजो जेको सरप्राइज़ उहो उहो कहिड़ो आहे. उमेद आहे तव्हां सभिनी खे जेको सरप्राइज़ आहे उहो तमामु घणो पसंदि आयो. यकीन आहे असां बि एक्साइटेड आहियूं, असांखे बि तमामु घणो सुठो लॻी रहियो. सरवत कैसा लॻा आपको? बहुत ज़बरदस्त लॻा. बहुत माज़ी की बहुत अच्छे अच्छे मुझे मतलब कुछ हिट सॉन्ग्स भी याद आ रहे थे साथ साथ. बहुत जबरदस्त और आने भी चाहिए. एक और भी सरप्राइज है, वो जो एक्चुअल सरप्राइज है वो हमारे गेस्ट के लिए भी है, ममदान मौलाई साहब के लिए और व्यूअर्स के लिए भी है और हमारे लिए भी है, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रॉपरली हमें नहीं बताया गया कि एक्चुअल कौन सा सरप्राइज है. ठीक है, तो आप भी वेट करें, मैं भी वेट करती हूँ. और जब तक आप सुबह से आके मैं वेट कर रही हूँ कि भाई सरप्राइज पे सरप्राइज मिले जा रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है, नूर कह रही है और जबरदस्त सरप्राइजेस मिलेंगे. तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से वो टाइम खत्म हो और सरप्राइज आ जाए नूर, बस अब जल्दी कर दिया मैं और आपके जन्म जल्दी से जाए और हमारे गेस्ट के लिए जो है वो खाना बनाए ताकि जो है बिल्कुल प्रॉपरली जी हमारे गाल करने वाला कि भाई मुझे ढी खुशी थी रही है छो तो ममताज मौलाई साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद है ए मुझा गेस्ट आन तमाम घनी खुशी थी रही है. बस खुशी थे भी घुर्जे जैसे तमाम घनी वही शख्सियत आला शख्सियत असाजे स्टूडियो में मौजूद हुए असा गड वेठल हुए तमाम घो सुठो लगन. वैसे क्या लगो तक असाजे प्रोग्राम में अच्छे? जबरदस्त तमाम सुठो प्रोग्राम, तमाम जो खूबसूरत सेट, एडो प्यारो प्यारो सेट. यो खूबसूरत सेट तहां दे लए सजायो है अना एकरो सरप्राइज आए वो बता के दीनासी. वडी मेहरबानी तमान जी, तहां जी भी वडी मेहरबानी. तहां कीमती वक्त कड़ी असन जे प्रोग्राम में आया आई तहां कल कॉल ते भी गाले हमके तमाम घणी खुशी थी. आई बिल्कुल मां भी तहां जी फैन आया. वैसे चवंदा के एकरो मेहमान आयो तो मां मेहमान जी फैन आया. दिसो अमेजिंग आई एकडी होस्ट चुका सो के मेहमान जी फैन आए वो मुसा घर बैठल है. आई सबनी का पेरा जी के माशाल्लाह असा सा गड जने आला शख्सियत बैठल ही है तो उनन का थोड़ो गपशप तो थी नहीं ने. बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है. बिल्कुल इजाजत है. ठीक है, तो गपशप अस स्टार्ट करने जी तो माशाल्लाह ता हां पहला तो शायरी करन स्टार्ट करे जी तो कलम जी दुनिया का आगाज करो तो कितनी उम्र में करो था? 1993-94 खान मुजी शायरी जी शुरुआत थी. सही, जेका मुख्तलिफ सिंगर असई सिंध जा बेहतरीन फनकार वडा वडा नाला उनन मखे गायो. उनी का वो वो शौक चलो शायरी फनकारी गायन ये भाई एक रिश्तो रिश्ते मतलब गायन को इशू ना है. सही, ये म्यूजिक के मूवी 25-30 साल ना है जी, म्यूजिक की दुनिया के ना है जी जी. लेकर मुझे लाइक को प्रॉब्लम ना होगा, तकलीफ या मुश्किलात ना हो. मुश्किलात ना हो जी. पर ये फन की दुनिया में गायन की दुनिया में जदे आइस ये अल्लाह सही ने मुझे सिंध वारन के सिंध खान परे रंदरन देसन परदेसन के खुश रखे. भरपूर मुसा प्यार करना है, भरपूर मोट रहनो तो सिलसिला जारी रहंदो रहे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह हमेशा रहंदो जिस तई जिंदगी साथ नो. बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा दुआ गो है जी. त हियर टाइम थियो नाजरी गाली तो वधी के थीनियो है, कचहरी भी वधी के थीनियो, पर जी त टाइम थियो आ ब्रेक जो नाजरी मटो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिसना रहो द आवाज शो. वेलकम बैक नाज़रीन, असां सां तवन कयो आहे नेस्ले एवरीडे हार्मनी ब्यूटी क्रीम. जीअं त माशाल्लाह असांजा गेस्ट तमामु घणा भला आहिनि ऐं डिस्कशन बि तमामु सुठी हली रही हुई, त पंहिंजी कचहरी खे वधीक कंटिन्यू कयूं था. जीअं त मां सवाल कयो कि भई तव्हां माशाल्लाह कलम जी दुनिया में वरी पोइ आवाज़ जी दुनिया में. अच्छा, कलम जी दुनिया में घणो वधीक मज़ो आयो तव्हांखे या आवाज़ जी दुनिया में? मेहनत ज़ीशान साहब डायरेक्टर पर पर्दे जे पोए आए. हां नूर साहब आए स्क्रीन ते जी जी. यो फरक आए गायण में शायरी में, शायर थोड़ो पर्दे जे पोए हुंदो आए. सही, गायण सा मानो स्क्रीन ते हुंदो आए ओनु सा गायण में वधिक सुठो लगो. अच्छा, गायण में सुठो लगे जाय के लिए जरे ना गायण शुरू कयो तो माशाल्लाह मानो ताके नी सुठी मोट देरी ए माशाल्लाह मानो ताके तमाम घणो सरहायो. पहिरां त खे जे त मां ताहा जे लाइ बुधो के भई मानो जरे कैसेट वठंदा होया, जरे कैसेट जो दोरो कैसेट वठंदा, पहिरां ॾिसंदा के भई मौलाई जी शायरी आहे त कैसेट वठंदा सी, जे ना आहे त पुन वठंदा सी. या सिंध जे मानो जी हिकड़ी मोहब्बत जी इंतहा आहे, जेका एतरी मोहब्बत जी इंतहा कंहिं कंहिं सिंगर ते मौला जो करम हूंदो आहे. बिल्कुल बेशक मौला जो करम आहे, असांजे सिंध जे माण्हुनि जूं महिरबानी आहिनि जेको एतिरी माना
जुनू नहीं हद ता मोहब्बत कंदा मोहब्बत कंदा बिल्कुल ऐ जने या ते शायरी जी गाल थी ना शायरी दिसंदा हुआ हाने ते जने माशाल्लाह पूरो पोस्टर लगल हुंदा ता वो ते मतलब मारो मजबूर थी ना आए जो का वठण ले मजबूर थी ना कैसेट हो जे या सीडी हो जे जी ता माशाल्लाह ता कनाडा में रहो ता ता का पुछंदा सी के उते असन दी सिंधी सिंगर्स के बुधो विंदो आए कितरो मतलब प्यार कंदा सिंधी सिंगर्स सा असन जो एक्चुअली जदे साना जो एनुअली फंक्शन एक नॉर्थ अमेरिका जो उनमें अस मोस्टली सिंध में ही फनकार घुरा अच्छी परफॉर्म्स कंदा असली टोरंटो चैप्टर मीन्स कैनेडा में उतने कोशिश कंदा लास्ट ईयर अस रजब आयो मुख्तलिफ़ इंदा अस जै भी को फंक्शन तो मोस्टली अस सब सिंधी कलाम बुधा साई शायरी सब जो सिंधी फनकार इवन असा बार सिंधी माना गाना बुधा उन्होंने डांस कल्चर बोली टचिंग सॉन्ग था बहुत जबरदस्त कलाम था लेकिन ये जो है सबकी सबरीन की गाल सबरीन सा ये जुलम इम्तियाज़ जिन्हें डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान में मतलब टॉप वन आया टॉप फर्स्ट आया तो भलीका चुन था प्रोग्राम में जी तुम भी इंजॉय किया माहौल के माशाल्लाह माहौल सुनो ठहल है इन अलावा जी असा गड जो असा गेस्ट वेठल तो उन्होंने कचहरी कहते उन्होंने हाल अहवाल कहे तेज सरप्राइज है मुमताज मलाई साहब तक खबर आ न मुखे खबर ना है या खबर ना है त ने मदा खबर ता की खबर आ पको त करे बेटा पको थी माने मारू को न बाद में बदा है बा ठीक है हाने असा जों ना पनी बलून सी गेम दी तरफ जो असन गेम जो सेगमेंट आ वो भी ता की गेम खेलनी पनी जी असा थोड़ी देर पेरा परचिन वाली गेम खेली से लेकिन दाम में एंजॉय कयो तो ही वाली गेम भी ता लेकिन एंजॉय कंदो सो ता जो पिनियन द फेवरेट कलर केडो आ पेरा यो पूछना लाजा जी के बिरंग खलकेला हैं सब खूबसूरत होता है सही ताने मोस्ट फेवरेट कड़वा बुधा हां बुधा जी जी के बलून्स लगलन इनन माता कोई भी डिसाइड कर सको ता अच्छा जी वही लाए बैठो ब्लू ठीक है ब्लू जो का सो डिसाइड करवा अच्छा ब्लू जो का तो छो डिसाइड करवा पे ना त मैं पूछन ता का अच्छा ब्लू छा डिसाइड करे सोचा इने में कुछ भी चीज आके तो मर्दों का फेवरेट कलर है ना ब्लू हां अच्छा इने से करे तमाम सुठो है ब्लैक एंड कलर सब सुठा है ब्लैक एंड ब्लू यस ब्लू जो का होता है फेवरेट है वैसे छोकरन के मन का बहुत ही दुआ असा नरम दिल इंसान है बहुत होते दुखन जावारल अच्छा सकते चलो बस इने से करे दुखन दे सगाल ही ना था क्यों ना अरु करू जो का सो इमोशनल थी मैंने इने करे ओ बड़े मान नहीं चवाता पान दिसो छो तो ये ना थे जो सब चवन के वा नूर चीटिंग थी करे सो नूर चीटिंग कौन थी करे सो मतलब लाइक करे दिखरिया वर्जिश हां वर्जिश केड़ी वर्जिश करना है ता मुके टाइम ही ना मिलदा फनकार चलो बेहतर ना हो रहा है चलो भाई ठीक है वर्जिश चलो मैं तो बताता हूं केड़ी वर्जिश करे दिखानी है ये सामो जो का सही रस्सी आ और रस्सी से ना जंप खाना है दिसो ना केड़ी वर्जिश करे क्रीप ऑन दिस या तो औरत गर्ल्स या बंदा नहीं है तां का भया सो अगर ऐसा जंपिंग करना से ना अच्छा ठीक है तां के मैं बताई देला हते मुझे शो में जिके भी सिंगर्स आए हैं वहीदकड़ो साहब थी हो अशद महमूद साहब थी हो उनन सबनी ये गेम खेली आ अच्छा ठीक आ ये हड़ताल ला चैलेंज हां सॉरी कंदस मन इन का अलावा चलो ठीक आ तां के भी कई वर्दिश जिका इन वर्जिश में ना था के चौं पो ता के बुधाऊं ता वर्जिश केड़ी चलो ठीक है ता बियो बलून बुधायो छो ता ये थोड़ी ता सा रियायता इन जे करे जो आज ता ले सरप्राइज आ ठीक ये वर्जिश हम लोग बाद में करवाएंगे ठीक है ना ओके जी बियो केड़ो कलर बियो ही खोलियो बियो वाइट अच्छा वाइट छो पसंद कर वाइट कलर के पसंद होंदो वाइट अमन जी निशानी ने करे वैसे अमन जी निशाने तावी रेट टुकरी पे ना मुझे हाथ में खोदो वैसे आई विश के इते कुछ ओ लड़े ही तो वो मुश्किल कमा खत्म हो गया मुश्किल कमा
न ही भी कोन कर सके ई न कयो न कुकरा कुके रे खारो दिसो ई न कयो ये कल मैंने भी किया और अच्छा किया आ रे काम कोन थी फुकरा कुके रे खारो मुझे गले जो प्रॉब्लम है जोर जनो पवन अच्छा नौजवान तो लगे जो सही सही मुझे तरफा तकलीफ बलून जो बुलाए मुखा ही न थिंदो ईमान चे मुखा न थिंदो ईमान डायरेक्टर साहब चे तो ई छोड़ो छोड़ एकड़ी एकड़ो मुखा थिंदो ई चाच न ने उधर मुखा ने फुला लीजिएगा आप कैमरे के इस तरफ मानी पचा दूंगा आगे मां सही सुनो तो ममता मलाई साहब गेम्स न कई हुई ठीक है हिसाब लेकिन वो बात चलो टो कड़ो गुब्बारो खड़ो सोची समझी खड़ो ब्लैक हां साईं चलो ठीक है साईं का बड़ा साईं के वगो ब्लैक पातले तने करे साईं ना बिल्कुल ये आए ब्रो ये एडो होंदो जो ता करे ना ता जो ना ता यो यो बैक करन ता के बताए पदी के गिर यार मत करे वही ना पार में डिसाइड करे अदि ता फाड़ो साईं कंदो बिल्कुल ये इजी बोल दो साईं ममता मलाई साहब ता केड़ो कलर दा चो ठीक है साईं जी पसंद ब्लैक ओके ब्लैक ठीक है एंड ब्लैक में जो निकतो वो करना पड़ेगा आपको अरे बस सोचे वटो सोचे समय तो बाहर कर ले या फिर जो ब्लैक हां जो भी ब्लैक में निकतो वो करनो आ ठीक है ठीक है सही पर्ची गया तावीज जो का सो मिली है पर्ची दीवान साहब रे भैया यो साईं करनो सो मां तांगी पहली फाइनल करे उनका बाद में मु बलून जो का सो फाड़ो के ता वो शिकणी पेनी यो कर दो साईं जल्दी से जी अंडा बनाएंगे ममताज मलाई साहब जो का सो अंडो ठाईंदा मैं तो अंडो बजाने मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या डालते हैं मुझे बाबा शादी हुआ है मुझे मायू पचाए दी हुआ है बस आने जको सो वो तो घर जी गाल हां बिल्कुल सही गाल हां जी ये अंडे हैं ये जी अंडे हैं और ये जी मिर्च है ये जी प्याज है जी ये धनिया और ये बाउल अच्छा दिसो आसा ताजी हेल्प भी क्यों ना हां हेल्प करा थोड़ी हां हेल्प करा दे जी फॉग दे दे मैं आपको पूरा बॉक्स ले देती हूं ये ठीक है जी मैं सिंधी में चला ना सावा मिर्च सावा मिर्च सिंधी में चला ना सावा मिर्च आई जो का सो ठीक है माशाल्लाह शेफ लगो पो तो जड़े तरीके से ऑर्डर कर सिंधी में सावा मिर्च सो अदरक अच्छा अदरक भी डालते हैं अंडे जी अंडे में जो कहा अदरक भी विदना इसको छीन थोड़ा सा जी मैं इसको आपको हियर जो कासो जो कासो ममता मलाई साहब अंडो पचा रहे हियर टाइम थी है कुछ खास त नाजी वडा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दिसन ना रहो आवाज टीवी छो त किचन में ममता मलाई साहब अंडो पचा रहे है ई विजो वेलकम बैक नाजी असन दावन करवाए नेस्ल एवरीडे हमनी ब्यूटी क्रीम जिंदा सा किचन में मौजूद है किचन में ताके खबर आ त आज असन जो को शेफ आ हुआ है ममताज मलाई साहब है वो अंडो फ्राई कर रहे हैं सो ममताज मलाई साहब अंडे के सा छा चवंदा से सिंधी में
सिंधी में आनो चंदा यो अच्छा बेदो इसकी इसी तरकीब भी बता दे यार तरकीब भी बताएगा हां आयल था जो हमने ठीक है ठीक है जी फ्राई पैन में जो का सो ऑयल जो का सो विदो है ऑयल गरम थे पियो त ममदार मौलाई साहब शेफ आ मान बताइना ठीक है तो ये देखो मां ये रो ठाए रहे हो जी जी ठीक है दुश्मन है खराब सजना है ना खराब डायरेक्टर आपको खिलाएंगे मैंने कुछ नहीं बोला ए जिशान भाई खाई दो इतनी तकलीफ नहीं है अच्छा जेतरी तकलीफ नहीं है ओतरो दंगंडो खाना पेंदो ठीक है जी डायरेक्टर साहब लगा दो मुझे ख्याल में चुन चुन के बदले लेंगे हम चल चुन चुन के और किन किन के लेंगे बदले ठीक है जी अंडो जो है वो फ्राई पैन में हो गया फ्राई पैन में डाल दिया गया अब इसको सर्वर चीटिंग है यार आगे से यार तो क्या हुआ बंदा तो मना हाँ पांच मिनट के लिए आप शेफ नहीं है चले मैं होस्ट हूँ और मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी क्योंकि ये क्योंकि आशन मैम आपने भी तो अंडा बनाया था उन्होंने और उनकी जो गेस्ट आएंगे उनके साथ उन्होंने बनाया पराठा उन्होंने पराठा खाए और जबरदस्त खाए जो कम कम दो आए दोस्त काफी भाभी घो कम किचन जो असा भी भाभी के चवंदा असा भाभी तव्हां रेडी थी वञो ममताज मलाई का कम कराइण लाइ हा बिल्कुल ॾिसो कॾहिं कॾहिं हेल्प करण बि ज़रूरी आहे न कोई ॻाल्हि न आहे अगरि हेल्प करे छॾी त वैसे तव्हांखे इहो अंडो जेका ट्रंड करण ईंदो न त हिन अंडे खे उथलाए मोकिल ठीकु आहे साइड मुंहिंजे खतरा लॻ रहा आहे उहो चला रहे नहीं 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 होगा नहीं होगा बच गया बच गया ये हम लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है हम बोलते हैं जी अभी छक्का लगेगा जी यहाँ एक विकास हो चौको लगा दो उस तरह का नहीं पूछा है वो कैमरे मैन की तरफ भी मुझे ये बात अच्छा हो गया जी अच्छा हो गया आधा हो गया आधा नहीं बहुत अच्छा प्लेट दिया छक्का जी छक्का लग गया कि कितना हो गया बहुत जबरदस्त बहुत ही सुगर बने से आपने माशाल्लाह इसको पलटा शुक्र है हमारे मुंह बच गए सही थी अच्छा तकरीबन लाइट सही थी सही है हाँ हाँ सरद हाँ मैं पूछ रही हूँ इसको निकाल लें नहीं नहीं मतलब ये कह रहे हैं कि अच्छा बन गया हाँ अच्छा नहीं नहीं अभी कच्चा है अभी कच्चा है तो सरवत कौन सा आप खाएंगे अच्छा सेकंड कॉल मुझे ना बता दे जी जी अभी कॉल हमारे साथ पहुंचे थे लेते हैं कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं कितना कॉल किया जी मक़बूल गीत आहे हींअर गिला तुंहिंजी कयां मां मरी न वञा मां एतिरो वयल बि दिलबर न हा मां जानी जही चयो थी माण्हू मुंहं ते वठी आ माण्हू मुंहं ते वठी आ ममदास मौलाई साहब ऐं बाक़ाइदा हुननि जेको प्रोमिस कयो उहो पूरो कयो की भई हिन पर्ची मां जेको निकिरंदो उहो मां कंदमि सो हुननि करे वरितो ऐं माशाल्लाह ॾाढो सुठो निभायो हुननि
सो ये तो अच्छी रही गाल इन अलावा जी माशाल्लाह तां पाकिस्तान में सिंध में काफी गायो आहे इन खां अलावा काथे काथे वे आयो जी जी हां सऊदी अरब वयस उमरे जी हिसाब से उमरो कयो उते शो वगैरह मुन कयो सही करण जो इरादो भी ना है उते सठो मुल्क आ उते हर एक की पंजी सोच जी जी सोचा उते कदे भी न शो कंदस न उते गाइंदस सही इंदस उमरो कने वरी जने अल्लाह नसीब कंदो इंशाल्लाह दुबई चार दफा वयो हां हाने पंजो दफो हियर बंजवी एल्बम जी सिल्वर जुबली शो थिंदो मुजो मलाण वणो गओडे माशाल्लाह तमाम जबरदस्त यसगर मुगेरी असा जो प्रोड्यूसर भी आ आबिद शेख देखो दुबई में शो मुजो कराए रहन तमाम जबरदस्त शो आई आनर भी वो इंशाल्लाह आवाज टीवी में थिंदो मुजो इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह तां जो ते एक्सपीरियंस के रहयो उतां जे माण्हुनि सां तमाम तमाम घणी मोहब्बत सिंधी माण्हू से जेके उते रहन था एडो प्यार जन था एतरी मोहब्बत कन था असा सा ये बस के ईद जे चंद जो इंतजार हुंदो आ सिंधी फनकार वने तो उन सा तमाम मोहब्बत हु प्यार ये असें असें इंडिया जा जेके उते सिंधी रहन था दीवान कम्युनिटी वो भी तमाम घणो असें प्यार कंदा आ सही जो दोनों विंदा हूं ते हद दुबई में बिल्कुल तमाम जो बताई ने सागर गए असा सागर ताज ले एकड़ी कॉल मौजूद वठंदा कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बड़ी शाला ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह के ने किथा कॉल कईया सबा मक्सी फ्रॉम सूरतकोट मां जी छा चवन चाहिंदो सबा जेके तवा जे गेस्ट इन तमाम सुठा इन तमाम प्यारा इन बड़ी मेहरबानी उन जा जेके सॉन्ग इन ननन जे सॉन्ग की मां घणो लाइक कंदी आया थैंक यू एंड मतलब गेस्ट से गालन थी चाहिए जी जी जरूर गलायो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मदद साला जी यदि खैर खैर अल्लाह जो करम आ ताकी आयो ठीक आयो अल्लाह जी करम आ जब तुम्हारे फ्रेंड आ शमशमारन जो शायर शायर आ माशाल्लाह वो भी तमाम बेहतरीन शायर आ एंड तमाम जो सॉन्ग इन तमाम सुठा इन एवो तमाम वट मौजूद छो नाए वो मौजूद आए अस वट इंदो जल्दी इंदो हियर तकरीबन इंदो वो मौजूदा उन ताके गानो भी बुदाईंदासी वो आए भी गड भी आया सा थैंक यू सो मच सबा कॉल करने ले वडी मेहरबानी आई जी त जाय गल कलाम जी गाल हली त पाणे शम्स मार जी गाल कयो पया त दाहन जो शायर आ छो नहीं है उनन जी कलाम भले वो बेहतर उन जो भी बुदाईंदस मा ठीक है तो वही कलाम थी वने बेहतर
जबरदस्त 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 इन अलावा जी तो सॉन्ग हो सॉन्ग जो म्यूजिक हो नो डाउट तमाम जबरदस्त तमाम क्लास में असद कॉल मौजूद कॉल हेलो अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम की आयो खुश आयो गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा सड़क पे छाना किसकी कॉल है वही तो पूछो भाई दकड़ो साहब की जी भाई सुना रहे हो क्या मैंने आपको पहचान लिया भाई साहब जी बिल्कुल पहचान है मुझे कुल परी तू हां खास जो हियर नाजी टाइम थे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वठाऊं तो ब्रेक स्टे ट्यून आवाज टीवी वेलकम बैक नाज़िम ऐं माशाल्लाह जेको सरप्राइज़ हो सरप्राइज़ हींअर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त असांजो सरप्राइज़ कहिड़ो हुयो हाणे सरप्राइज़ आहे जेको ख़ैर सरप्राइज़ त ममताज मौलाई साहब जे लाइ बि आहे उन्हनि जे फ्रेंड्स जे लाइ बि आहे त अॼु ममताज मौलाई साहब जी सालगिरह आहे त असां उन्हनि जी जेका सो बर्थडे जो केक रखियो आहे उन्हनि जे लाइ जेको सरप्राइज़ आहे उहो आहे बर्थडे केक तव्हांखे कीअं लॻो जो कल मुसा जरे मीटिंग कराया ना प्रोग्राम जे बारे में बुधई तो मौला अली मदद मुझे पुरानो दोस्त रहे बटरे जी जी सालगिरह में आए तमाम जबरदस्त है ये बकायदा जो कासो भाई हैप्पी बर्थडे सारी जी मिला कयो ए जो कासो कैंडल्स जी के ऑन कयो Happy birthday to you.
Happy birthday to you. माशाल्लाह तमाम जबरदस्त थी असन के तमाम घणी खुशी थी असन ले भी सरप्राइज हो तो ता के के लगो ये सरप्राइज तमाम जबरदस्त आई ता के याद ही ताली बर्थडे आज मुखे वाकई याद नहीं निशान साहब के याद हुई जी जी वो बटन सालगिरह में आयो न समझ तमाम सुठा ताल कदर है उनी साहब जाने के याद हुई मुखे भी सरप्राइज ही दनो हुई हां बिल्कुल कौन सालगिरह मनाइंदो है गट अबे असन जो तरफ तमाम तरफ किया तमाम जी बड़ी बड़ी मेहरबानी आवाज टीवी जो आवाज टीवी जो पूरी टीम जो थैंक यू सो मच आई दां जी वरी मेहरबानी दां से प्रोग्राम वो भी आज जे नीचो दा जो ता जो बर्थडे हो ने जे हवाले सा इन के अलावा जे निशान मके बुदा के जने मा वयस त मा उनन का एनआईसी वरतो आ एनआईसी में डटो के दुका सो ता जी बर्थडे जे का सो आज एग्जैक्टली आ बिल्कुल बिल्कुल त उनन का भी खैर दुका सो व्हाट अ लॉजिक यार के अगर उनन जे घर में उनन सा शो जे हवाले सा प्री प्लान कर तमाम तमाम एक सुठो बनो दोस्त सा जी जी हल्का तेड़ा इन मुजा रहे हमेशा हांडी मनाई वो तो मुझे नजर आ गई मुमताज मलाई साहब इजाजत कलाम कारो तुझो तेरे वाह वाह